स्टूडेंट, आज हम माशी तुम के यूनिट नंबर 3 हमारी फसलें और ज़राए पर पेशी पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नॉलेज स्टार्ट। पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी देहात में रहती है। देहात में रहने वाले किसान हमारे लिए फसलें उगाते हैं। फसलों के दो बड़े हिस्से हैं, गज़ाई फसलें और नकद आवर फसलें। गज़ाई फसलों में गंदम, चावल, सब्जियाँ, फल और मुख्तलिफ दालें शामिल हैं, जबकि नकद आवर फसलों में गन्ना और कपास शामिल हैं। मौसमी फसलों की दो किस्में हैं, फसलें रबी, फसलें खरीफ। फसलों को पानी देने के अमल को आबपाशी कहते हैं। बारिश फसलों, पौधों और दरख्तों को पानी देने का कुदरती जरिया है। इसके अलावा दरियाओं, नहरों, ट्यूबवेल और कुएं खोद कर आबपाशी का अमल किया जाता है। स्टूडेंट, हम इसके अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे लिए फसलें कौन उगाता है? इसका जवाब है, किसान हमारे लिए फसलें उगाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फसलों को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? फसलों को दो हिस्सों, गज़ाई फसलों और नकद आवर फसलों में तकसीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मौसम के लिहाज से फसलों की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। इसका जवाब है, फसलें रबी, फसलें खरीफ। क्वेश्चन नंबर 4, आबपाशी किसे कहते हैं? फसलों को पानी देने के अमल को आबपाशी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है? इसका जवाब है, पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है। स्टूडेंट, इसे अच्छे से याद करने अल्लाह।